दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 15,000 रुपए के बजट प्राइस रेंज में। एक दो साल पहले जिस परफॉर्मेंस के साथ आने वाले फोन 25,000 में मिल जाते थे, उसी परफॉर्मेंस के साथ आजकल के स्मार्टफोन 15,000 में मिल जाते हैं और वो भी 5G कंपेटेबिलिटी के साथ। दोस्तों अगले कुछ 5-6 महीने में इंडिया में 5G लॉन्च हो सकता है, तो उसी को ध्यान में रखकर अगर आप 15,000 के स्ट्रिक्ट बजट में एक 5G फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे स्मार्टफोन जो 15,000 रुपए में एंट्री लेवल फ्लैगशिप परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं और उसी के साथ बेस्ट कैमरा क्वालिटी और फीचर्स के साथ। इस प्राइस में बहुत सारे फोन्स आते हैं, लेकिन हमने 5 ऐसे फोन्स निकाले हैं जो आपको इस प्राइस में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इन सभी फोन्स की रैंकिंग हमने परफॉर्मेंस के हिसाब से की है, आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपना फोन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे इन सभी फोन्स के डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे कौन सा फोन किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है मोटो G51 5G। यह आता है यूनिबॉडी डिजाइन और पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ। ये ड्यूल टोन कलर और मैट फिनिश के साथ आता है। उसी के साथ इसमें IP52 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन रेटिंग मिलती है। यह आता है 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसमें डिस्प्ले काफी फ्लूइड और स्मूथ देखने मिलती है। इसमें आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस 8nm 5G प्रोसेसर जो डिसेंट लेवल के परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसमें डे टू डे टास्क में कोई इशू नहीं आता और मल्टीटास्किंग भी आराम से कर सकते हैं। इसका अंततः स्कोर 300,000 के आसपास आता है और साथ में 12 5G बैंड को भी सपोर्ट करता है। यह आता है 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें 50 MP वाइड, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP का माइक्रो सेंसर मिलता है और उसी के साथ 13 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। डेलाइट कंडीशन में इसमें शार्प और डिटेल के साथ इमेजेस आती है, लेकिन थोड़ी ओवर सैचुरेटेड लगती है। इसमें डायनामिक रेंज काफी अच्छी मिलती है, लो लाइट कंडीशन में ठीक ठाक फोटोज कैप्चर करता है। इसका फ्रंट कैमरा भी शानदार वर्क करता है, नेचुरल स्किन टोन्स के साथ सेल्फीज आती है। इसमें 1080p 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी आती है और उसे चार्ज करने के लिए 20W का फास्ट चार्जर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G, डुअल स्टैंडबाय 5G और NFC जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह था साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इस फोन की सबसे बड़ी खास बात है इसके स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको क्लीन यूजर इंटरफेस मिलता है और कोई फालतू के ब्लोटवेयर और एप्लीकेशंस नहीं मिलते। इसका 4GB 64GB का वेरिएंट 15,000 के अंदर मिल जाता है, जो इस प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। अगर आपको इस प्राइस में 5G के साथ बेस्ट कैमरा सेटअप और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो मोटो G51 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसलिए मोटो G51 हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Realme 9 5G। यह आता है स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन के साथ और इसमें पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यह आता है 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। यह आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 6nm 5G प्रोसेसर के साथ जो शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस देता है और उसी के साथ मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू नहीं आता। इसका अंततः स्कोर इस फोन के साथ 370,000 के आसपास मिल जाता है। यह आता है 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें 48 MP वाइड, 2 MP मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 16 MP का सेल्फी सेंसर आता है। डेलाइट कंडीशन में इसमें शार्प और डिटेल के साथ फोटोज आती है, लो लाइट कंडीशन में ज्यादा नॉइज देखने मिलती है। यह 5000mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर मिलता है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G, डुअल स्टैंडबाय 5G का सपोर्ट मिलता है और इसमें 5GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन भी मिल जाती है। यह 4GB 64GB 6GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ। इसका 4GB 64GB का बेस वेरिएंट 15,000 के आसपास देखने मिलता है, जो ऑफर के साथ और भी कम प्राइस में मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको डिसेंट परफॉर्मेंस और 5G का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको Realme का ही फोन लेना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन 15,000 के अंदर और कोई नहीं हो सकता। तो Realme 9 5G हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Poco M4 Pro 5G। ये फोन Redmi Note 11T का रीब्रांड वर्जन है। दोनों का ही हार्डवेयर सेम है, सिर्फ डिफरेंट डिजाइन के साथ आते हैं। इसका बैक फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ आता है, जिस पर आसानी से फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते और पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। साथ ही फ्रंट की तरफ Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ आता है। यह 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। इसमें भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 6nm 5G प्रोसेसर मिलता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंततः स्कोर इस फोन के साथ 380,000 से भी ज्यादा देखने मिलता है। इसमें आप डिसेंट लेवल की गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यह 50 MP के ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 50 MP वाइड और 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और उसी के साथ फ्रंट की तरफ 16 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। डेलाइट कंडीशन में इसमें कोई इशू नहीं आता, हाई क्वालिटी की इमेजेस कैप्चर करता है, लेकिन लो लाइट कंडीशन में उतना अच्छा वर्क नहीं करता। इसमें थोड़ी नॉइज देखने मिलती है। फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छे फोटोज लेता है, लेकिन स्किन टोन्स थोड़ा ब्यूटीफाई करता है और ज्यादा स्मूथ बनाता है, जो थोड़ा आर्टिफिशियल जैसा लगता है। इसमें भी आपको 1080p 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यह 5000mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर मिलता है, जो लगभग 60 मिनट के अंदर इसकी पूरी बैटरी चार्ज कर देता है। यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G, डुअल स्टैंडबाय 5G, NFC और FM रेडियो जैसे फीचर्स मिलते हैं और उसी के साथ आयर ब्लास्टर भी देखने मिलता है। यह
UI 12.5 के साथ जो बेस है Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसमें आपको प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने मिलते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। या तो 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के तीन वेरिएंट के साथ, जिसका 4GB 64GB का बेस वेरिएंट 15,000 से शुरू होता है। दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी 5G के साथ एक गेमिंग डिवाइस की है तो ये फोन 15,000 में आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो पोको M4 Pro 5G हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है सैमसंग F23 5G। ये फोन सैमसंग के बाकी बजट सीरीज के फोन की तरह दिखता है, लेकिन बैक की तरफ से ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है। या तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। इसमें शानदार डिस्प्ले क्वालिटी देखने मिलती है। या तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 8nm 5G प्रोसेसर के साथ, ये डायमेंसिटी 810 से थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मल्टीटास्किंग और गेमिंग में इसमें कोई इशू नहीं आता। इसका अंतत स्कोर भी 380,000 के आसपास देखने मिलता है। या तो 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 50MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है, और फ्रंट की तरफ 8MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें डिसेंट डे लाइट कैमरा क्वालिटी मिलती है, जो फोटोज काफी शार्प और डिटेल के साथ आती है। लो लाइट में उतना अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन नाइट मोड के साथ ठीक ठाक फोटोज मिल जाती है। इसके फ्रंट कैमरे से एवरेज फोटोज आती है और इसमें 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है और 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। या तो LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ, और इसमें 4GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन मिल जाती है। या तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और उसी के साथ एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, कंपास और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलते हैं। या तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 4G डुअल स्टैंडबाय 5G और NFC का भी सपोर्ट मिलता है। या तो 4GB 64GB और 6GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, जिसका 4GB 64GB का वेरिएंट 15,000 के आसपास मिल जाता है। दोस्तों इस प्राइस में ये डिसेंट परफॉर्मेंस और फीचर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप एक नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन लेना चाहते हैं तो सैमसंग F23 5G आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसलिए सैमसंग F23 5G हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है लेटेस्ट आईकू G6। दोस्तों ये फोन वीवो T1 5G का रीब्रांड वर्जन है। दोनों ही सेम स्पेक्स और फीचर्स के साथ आते हैं, सिर्फ दोनों की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, इसलिए इसे इस लिस्ट में शामिल किया है, वरना आप वीवो T1 5G के साथ जा सकते हैं। या तो 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। इसमें डिस्प्ले क्वालिटी शानदार मिलती है। या तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जो नियर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि इसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 400,000 से भी ज्यादा आता है, जो इस प्राइस में काफी इंप्रेसिव लगता है। या तो 50MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 50MP वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर आता है, और फ्रंट की तरफ 16MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें आपको डिसेंट लेवल की कैमरा क्वालिटी देखने मिलती है। या तो 5000mAh की बैटरी के साथ, और उसे चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर मिलता है। या तो LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ, और इसमें 4GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। इसमें आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसी के साथ एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कंपास जैसे सेंसर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G डुअल स्टैंडबाय 5G और FM रेडियो का भी सपोर्ट मिलता है। या तो 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के तीन वेरिएंट के साथ, जिसका 4GB 64GB का बेस वेरिएंट 15,500 के आसपास देखने मिलता है, जो ऑफर के साथ 15,000 के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस प्राइस में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है, और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस भी आपको इस फोन से मिल जाती है। इसलिए आईकू G6 या वीवो T1 5G हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स, जो कि आते हैं 15,000 रुपए की बजट प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।